एनडीए जीता है, आने वाले 2025 के चुनाव में विपक्ष का कहीं पर दिखाई नहीं पड़ेगा, विपक्ष पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जो लोग दम भरते थे उनका दम अब घुटने लगा है और 2025 में पूरी तरह से दम उनका घुट जाएगा। फिर एक बार नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बिहार में उपचुनाव में एक और जहां एनडीए ने चारों सीट पर जीत हासिल की तो वही महागठबंधन को करारा जवाब मिल गया है। ऐसे में अब विपक्ष पर लगातार एनडीए के नेताओं का बयान आना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा तंज महागठबंधन पर सामने आया, जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि हार के बाद अब महागठबंधन का दम घुटने लगा है। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, पहले आप वो सुनिए। ये कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, जीत में तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, अच्छा प्रदर्शन वहाँ एनडीए ने किया है, सरकार बनेगी और जो वहाँ के लोगों की आकांक्षा है उसके अनुरूप यहाँ बनने वाली सरकार काम भी करेगी और बिहार में भी चार सीट एनडीए जीता है, आने वाले 2025 के चुनाव में विपक्ष का कहीं पर दिखाई नहीं पड़ेगा, विपक्ष पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जो लोग दम भरते थे उनका दम अब घुटने लगा है और 2025 में पूरी तरह से दम उनका घुट जाए। फिर एक बार ईवीएम पर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, तो जब हार होती है झारखंड में क्यों नहीं ईवीएम पर आरोप लग रहा है? झारखंड में भी लगना चाहिए। ईवीएम पर आरोप तब लगता है जब तक इंडिया हारती है, तब आरोप लगता है, लेकिन झारखंड में चुनाव हुए हैं तो वहाँ भी तो आरोप लगाना चाहिए, वहाँ भी तो लगना चाहिए कि वहाँ पर जो जीत हुई है उसमें ईवीएम मशीन का कमाल है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है, तो वहाँ के ईवीएम पर भी जांच का मांग उनको करना चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर करारा तंज कसा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एनडीए की जीत को लेकर के साफ तौर पर कहा है कि ये तो शुरुआत है। इसलिए कि जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।